नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ दैनिक पंचांग के कार्यक्रम को लेकर के। दैनिक पंचांग 22 जनवरी सन 2022, माघ माह कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष के आज चतुर्थी तिथि के साथ सूर्य उदय होंगे। चतुर्थी तिथि प्रातःकाल 9:15 तक रहेगी, उसके पश्चात पंचमी तिथि रहेगी जो कि पूरे दिन भर व्याप्त रहेगी। आज का वार शनिवार है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातःकाल 10:38 तक रहेगा, उसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। शोभन योग और बालक करण रहेगा आज। राहु काल का अशुभ समय प्रातःकाल 9:54 से प्रारंभ होगा जो कि मध्याह्न 11:13 तक रहेगा। वहीं बात अविजित के शुभ मुहूर्त की करें तो अविजित का शुभ मुहूर्त मध्याह्न 12:11 से प्रारंभ होगा और 12:53 तक रहेगा। गुलिक काल की बात करें तो प्रातःकाल 7:15 से गुलिक काल का समय प्रारंभ होगा जो कि प्रातःकाल 8:34 तक रहेगा। राहु काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को प्रारंभ न करें, जबकि अविजित मुहूर्त और गुलिक काल में समस्त शुभ कार्य किए जाते हैं। गुलिक काल में यात्रा, व्यवसाय, नौकरी से संबंधित कार्य करने चाहिए, जबकि अविजित मुहूर्त में धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। आज 22 जनवरी सन 2022 जिन दर्शकों का जन्मदिन है, आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परम पिता परमात्मा आपको यश, आयु, कीर्ति प्रदान करें, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करना चाहिए। जन्मदिन पर किया गया पूजन 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन व क्रूर ग्रह का दान अवश्य करना चाहिए। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विशेष बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 5 फरवरी सन 2022 को हमारे कार्यालय में विशेष रूप से यज्ञ किया जाएगा। मां सरस्वती विद्यादायिनी महायज्ञ किया जाएगा। ऐसे जातक जो विद्या के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वह जो विद्या में असफलताएं प्राप्त करते हैं, जिनको किसी न किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होते हैं विद्या से संबंधित व स्मरण शक्ति से संबंधित, तो वह जातक इस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। आप ऑफिस में आकर के भी भाग ले सकते हैं, यहीं पर पूजन किया जाएगा। और यदि आप दूर दराज हैं तो ऑनलाइन माध्यम से भी आप व्हाट्सएप पर अपना गोत्र, अपना नाम भेजिएगा, निश्चित रूप से आपके लिए यज्ञ किया जाएगा। यह यज्ञ निरंतर 24 घंटे तक चलने वाला महायज्ञ होगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।